हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर गुरु हब। मैं सुमित कुमार नागर, और जो हम वीडियो ट्यूटोरियल कर रहे हैं वो है विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज को विंडोज सर्वर 2012 के अंदर कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो इससे पहले पिछले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात कर चुके हैं कि मैं विंडोज सर्वर 2012 अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। जब मेरा विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल हो जाता है तो मुझे उसके बाद ये चार स्टेप हैं जो कॉन्फ़िगर करने होते हैं, यानी कि कुछ भी करने से पहले ये वाले जो चार स्टेप हैं ये करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, असाइन अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू एडमिनिस्ट्रेटर। और इसको मैं कैसे असाइन कर सकता हूँ, मैं विंडोज प्लस आर में क्या टाइप करूंगा, lusr mgr.msc। तो ये मेरे पास क्या कर देगा, यूजर मैनेजर की स्क्रीन को खोल देगा। तो हमें क्या करना है, विंडो प्लस आर टाइप करना है और इसमें टाइप करना है lusr mgr.msc। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा मेरे पास क्या आ गया, लोकल यूजर एंड ग्रुप आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यूजर्स पे क्लिक करना है। जैसे हमें पता था कि हम अपने सिस्टम का जो नाम दिया था कंप्यूटर गुरु हब, हम उसमें पहले ही पासवर्ड सेट कर चुके हैं। फिर मुझे क्या करना होता है, अपने एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर पासवर्ड सेट करना होता है। उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सेट पासवर्ड रखते हैं, प्रोसीड। आपने यहाँ पे जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है आपका जो पासवर्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, यानी कि अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर जो भी है वो सारे होने चाहिए। जब आप इसको पासवर्ड को सेट कर दोगे तो ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमें क्या काम करना होता है, उसके बाद हमें करना होता है असाइन वैलिड आईपी टू नेटवर्क। तो उसके लिए मुझे क्या यूज कमांड यूज करनी है, ncpa.cpl। तो विंडोज प्लस आर ncpa.cpl। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा मैं नेटवर्क कनेक्शन के अंदर आ चुका हूं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इंटरनेट के ऊपर राइट क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज करने के बाद जो हम वैलिड आईपी एड्रेस देने जा रहे हैं वो है TCP IPv4 के लिए। तो उस पर क्लिक करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। आपने यहाँ पे ये करना है, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। तो उसको मैं कोई भी अभी प्राइवेट आईपी दे देता हूँ, जैसे 192.168.0.1 और इसका सबनेट मास्क। और यही मुझे क्या करना है, डीएनएस में दे देना। तो ऐसे ही हमने क्या कर दिया है, अभी हम गेटवे का एड्रेस सेट नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और डीएनएस सर्वर को, आईपी एड्रेस और डीएनएस सर्वर को मैंने सेम आईपी दे दी। फिर तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो करना होता है मुझे, वो क्या करना होता है, अपनी फायरवॉल को डिसेबल करना होता है। तो उसके लिए मैं क्या यूज टाइप करूंगा, विंडो प्लस आर firewall.cpl। जैसे ही इसको एंटर करूंगा मैं अपनी फायरवॉल के अंदर आ चुका हूं। फिर आपने यहाँ पे करना है टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और अपनी फायरवॉल को ऑफ कर देना है। हम पहले तीन स्टेप कर चुके हैं और फिर जो हमें फाइनल स्टेप करना है वो है लॉजिकल नेम टू अ सर्वर। इसको मैं कैसे दे सकता हूँ, विन की प्लस पोज ब्रेक मैंने दबाना है। तो जैसे मैं विन की और पोज ब्रेक पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सिस्टम की प्रॉपर्टीज खुल जाती है। फिर उसके बाद आपने चेंज सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर कंप्यूटर का डिस्क्रिप्शन है। कंप्यूटर के डिस्क्रिप्शन से अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी हमें चेंज पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने कंप्यूटर का नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ सर्वर 1। फिलहाल आपने कभी किसी डोमेन से ज्वाइन नहीं करना, इसको वर्क ग्रुप में ही करना, नाम यहाँ पे सर्वर 1 दे देंगे। तो जैसे ही मेरा सर्वर नेम 1 हो जाता है मेरा सिस्टम क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। तो रीस्टार्ट होने के बाद जो आगे का प्रोसीजर है वो हम अगले ट्यूटोरियल में करेंगे। तो इस वाले ट्यूटोरियल में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अभी मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगा।
तो जैसे ही मैं अपने सिस्टम में दोबारा लॉग इन कर सकता हूँ, विंडोज प्लस फोर्स ब्रेक दबा के मैं दोबारा चेक कर सकता हूँ, मेरे सिस्टम का नाम जो है वो पहले से चेंज हो चुका है। तो आज वाले ट्यूटोरियल में इतना ही। तो इससे अगला जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा इंस्टॉलिंग ADDS, और वो हम इससे अगले ट्यूटोरियल में करेंगे। तो आज वाले ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।